हम लोग लाइट की बात कर रहे थे, रिफ्लेक्शन की। ओके, कल हमने एक लॉ पढ़ा था रिफ्लेक्शन का कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या था? नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल आर द सेम। थैंक अच्छा यू। चलो मैं लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा। ओके इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल किस जगह पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों क्या करते हैं? नहीं। दे ऑल लाई ऑन द सेम, नहीं। मतलब क्या सेम प्लेन का? ये प्लेन जो है ना, मैथमेटिक्स वाला प्लेन है, जैसे ये टू डायमेंशंस मिला के एक प्लेन बनाती है, फेस जिसको कहते हो ना। अगर आपके पास कोई क्यूबॉर्ड है तो उसके फेसेस है ना, तो सेम प्लेन मीन्स सेम फेस। ये बोर्ड एक प्लेन है, मेरा टेबल की सरफेस एक प्लेन है विच इज फेसिंग अपवर्ड, ये इस तरह। तो अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज द सरफेस और ये नॉर्मल है, तो तीनों एक ही प्लेन में है। ऐसा तो नहीं है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इधर आ जाए, ठीक है ना? तो इसको कहते हैं इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अगर ये इस तरह से होता है यूं करके, मतलब इस तरह, तो इस तरफ जाओ, ये वाला प्लेन होगा, इसमें ये वाला, ठीक है? दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई सवाल इसमें? ठीक है, ऑल राइट, थोड़ा आगे चलते हैं। कल बात हो रही थी जो इमेज बनती है, आज कौन-कौन मिरर में अपने आप को देख के आया है, कैसा नजर आया? अपराइट, अपराइट का इन्वर्टेड क्या है? आप अपराइट को ऑपोजिट क्या करते? अपराइट यू होगा तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इन्वर्टेड। वर्सेस, वर्सेस मीन्स उसका ऑपोजिट या मुखालिफ, इनवर्टेड। और इनवर्टेड ऐसे बनता है, ठीक है? ऑल राइट। अच्छा, ये जो आपकी इमेज बनती है उसमें, वो कैसी बनती है? अपराइट तो बनती है, नेचर कैसी है उसकी? बट हम किसकी बात कर रहे हैं? मिरर में जो इमेज बन रही है उसकी। मिरर हमेशा प्लेन ही होता है या कर्व भी होता है? बड़ी क्यों ना, रास्ते में लगे होते हैं ना कर्व मिरर्स, हमारे कोर्स में वो नहीं है। हमारे कोर्स में कौन सा है? प्लेन मिरर, स्ट्रेट वाला। ऐसे मेकअप के भी जो मिरर्स होते हैं, एक साइड से देखें बड़ा क्लोजअप नजर आता है, दूसरी साइड से देखें, गाड़ी में भी जो बैक व्यू मिरर होता है वो भी कर्व्ड होता है अब स्लाइटली, वो नहीं है हमारे कोर्स। हमारे कोर्स में सिर्फ प्लेन मिरर। तो इमेज कैसी बनती है? अपराइज। अच्छा, एक और हम इमेज में वर्ड यूज करेंगे जो नेचर के लिए यूज होता है, वर्चुअल वर्सेस रियल इमेज। जो मिरर में हमें नजर आते हैं वो रियल है या वर्चुअल है? क्यों? एग्जिस्ट नहीं करता का क्या मतलब? आप तो हैं उसके सामने, आप तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। सर, हाँ, हम उसको स्क्रीन पे नहीं बना सकते। हम देख सकते हैं। गुड गुड गुड, शाबाश। ओके, आप लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। रियल क्या होती है फिर? इसको टच कर सकते हैं? टच कर सकते हैं उसको हम, नहीं सर, मुझे नहीं कर कैमरा सकते? और मल्टीमीडिया में जो
गुड बॉय, ये बात की है ना, ये जो मल्टीमीडिया से इमेज बनती है इसके ऊपर, ये रियल इमेज, ठीक है, जो कैमरा के अंदर बनती है उसकी स्क्रीन के ऊपर, उसको रियल इमेज, वो रियल इमेज, जितनी भी इमेजेस स्क्रीन पे बन सकती हैं वो रियल इमेजेस हैं, और जो मिरर के अंदर बनती है दैट इज वर्चुअल इमेज। अच्छा, आई एम श्योर स्टिल अभी भी ये क्लियर नहीं, वर्चुअल क्लासेस जैसे ऑनलाइन फेस टू फेस तो नहीं है ना, लेकिन है तो सही ना, तो इमेजेस भी होती है लेकिन दो तरह की है, एक वर्चुअल है, ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम मिरर में से निकाल नहीं सकते, ठीक है, जो अपियर होती है, और दूसरी है उसकी ऑपोजिट रियल, जो कैमरास में, प्रोजेक्टर्स में, स्क्रीन पे बनाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा और इजी टू रिमेंबर इंडिकेटर दे रहा हूं, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज ऑलवेज अपराइट और रियल इमेज इज ऑलवेज इनवर्टेड, याद रखना। सारा ठीक है, अब हम तो ये जो मल्टीमीडिया से इमेज बनती है तो सीधी नजर आ रही होती है, क्योंकि रियल जो है वो उल्टी नजर आएगी, तो ये तो हमें सीधी नजर आ रही है। एग्जैक्टली, उसके फंक्शन में, प्रोजेक्टर के अंदर, उसके सिस्टम में, मैकेनिकल सिस्टम में हमने उसको उल्टा रखा, ठीक है, ताकि वो इमेज सीधी होती है। हम जब लेंसेज करेंगे ना तो उसमें ये और क्लियर हो जाएगा, आई एम श्योर, वहां पे हम डील करेंगे तो यू विल गोइंग टू गेट अ बेटर आई। ओके, अभी इतना ही था, ठीक हो गया। बाकी हमने दो चीजें और पढ़ी थी, सेम साइज, हाइट वगैरह सेम होती है और सेम डिस्टेंस होता है, और एक लास्ट चीज है इसकी, वो है इमेज जो होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरल मींस स्ट्रेट, ये वाले एक्सिस अपराइट, इन्वर्टेड मींस उल्टा सीधा, यानी मिरर के सामने अगर मैं अपना राइट हैंड आगे करूंगा तो मिरर के अंदर से जो मेरी इमेज है वो मेरे राइट की बजाय वो अपना लेफ्ट हैंड आगे करेगी, ये लेटरल इन्वर्जन है, ठीक है, यानी अगर ये मिरर है, अगर मैं इसमें पी बनाऊंगा तो ये पी इसमें ऐसा नहीं बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, पी का मुंह, हाँ जी, इस तरफ होगा, यानी जो चीज मिरर के करीब है वो करीब बनेगी, राइट, जो चीज दूर है वो मिरर के दूर बनाएंगे, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। अब इधर आप लोग लिखें अपना नाम, ये जो भी आपका नाम है आप नाम लिखें, और यहां पर उसकी लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाएं, मिरर इमेज कैसे बनेगी आपके नाम की, मैंने भी ट्राई किया यार, कुछ ऐसे ही होगी मेरा, ठीक है, सर ये उल्टा नहीं होगा, ये उल्टा हो या ऐसा हो, ये उल्टा कर दूँ, ऐसे ऐसे कर दूँ, आपने ये कैसे इन्वर्टेड कर रहे हो तुम, इसको लेटरली इन्वर्टेड करने, वैसे इन्वर्टेड नहीं कर देना, हाँ सर, मिरर में क्या सर अपराइट और लेटरली इन्वर्टेड दोनों नजर आते हैं, तो उसको हम लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं, अपराइट एंड लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड की नजर आएगी आपको, ओके, ठीक हो गया बेटा, ये किस किस का ठीक आया, और राइट, इससे जो इमेज है इसको इसके अंदर देखो, बैक से ना यहाँ पे लिखा है, तो लाइट में करके बैक से देखो सही लिखा हुआ है या कोई वर्ड उल्टा पुल्टा लिखा गया है, ठीक हो गया, चलो जस्ट लास्ट प्रैक्टिस, पाकिस्तान लिखो और पाकिस्तान का वो बनाओ मिरर इमेज, अंडा नहीं था ना, मिरर इमेज बनाओ, बन गया पाकिस्तान का भी, पता समझ चल रहा है सही है नहीं।
मिरर पे देख लो या इसको उल्टा करके देख लो तो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, बंदे का मिरर से डिस्टेंस है 4 मीटर्स। बंदे और ये जो कोई भी चीज है, ये वॉल हो सकती है, कोई मॉन्यूमेंट, कुछ भी, इसका डिस्टेंस है मिरर तक 7 मीटर्स। मेरा सवाल ये है कि अगर बंदे की आईज यहां पर है तो इसको यहां पर रखी हुई कोई चीज कितनी दूर नजर आएगी मिरर के अंदर? 7 मीटर। अपना अपना आंसर लिख लो अपनी अपनी कॉपी। हाउ फार, बल्कि मैं रेड से बनाता हूं ताकि आपको ये एक दीवार के ऊपर फ्रेम लगा हुआ है रेड कलर का, ठीक है? आपने ये बताना है कि इस बंदे को ये फ्रेम मिरर के अंदर कितना दूर नजर आएगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द मिरर इज 4 मीटर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस फ्रेम ऑन द वॉल एंड द मिरर इज 7 मीटर्स, तो यहां से कितना दूर इसको ये नजर आ रहा है? जी आंसर, ऑनलाइन पीपल पहले आप बताएं। जी अबान, 11 मीटर्स। 7 मीटर्स, 11 मीटर्स, 11, 21। जी बेटा 11 मीटर्स सर। 7, 11, 3 मीटर्स, 7 मीटर्स, 7 हो गया, 14, 14, फातमा, अरीशा, 3, 3, 7, किसी का इन 4 नंबर्स के अलावा कोई है आंसर? 15, अभी तो तुमने बताया 7, चेंज हो गया, अब क्या है? 15, क्यों आया 15 बताओ तो जरा मुझे। सर ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर उससे और ये 4 मीटर, नहीं सर ये वाला 4 मीटर से क्या नाम, यहाँ 4 मीटर, हाँ उससे यहाँ पर 7, और उससे यहाँ पर 7, तो 4 + 4 + 7 इस तरह से किया आपने। देखिए 7 कैसे आया, तो 7 7 पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, सामने भी देख रहा हूँ, सामने भी देख रहा है, पीछे भी देख, सामने देख, सामने देख, ओके 7। हफ्सा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो सेम डिस्टेंस होगा जब स्क्वायर में देखकर सेम डिस्टेंस होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? अगर मैं इसकी इमेज बनाऊ इसकी, तो ये मिरर के अंदर किस जगह पे बनेगी, कितनी दूर बनेगी? अगर मैं इस रेड वाले इस वॉल की जिसके ऊपर ये रेड फ्रेम है मिरर के अंदर इमेज बनाऊ, इसका डिस्टेंस सेम होएगा? यस, ठीक है, यहां पर बनेगी ये, ठीक है ना? कितना डिस्टेंस होएगा इसका मिरर से? 7 मीटर्स, यानी ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा, 7 मीटर्स। और बंदे को ये कितना दूर नजर आ रही हो? 4 मीटर, यहां से जो रेंज आ रही है उसकी आई सिंगारी की ये और ये कितना डिस्टेंस हुआ? 7 + 4 = 11। थैंक यू वेरी मच। अभी समझा देते हैं, एक सेकेंड, लेकिन उससे पहले मुझे आंसर बताओ ये 3 किसने कहा? तो 2 बंदों ने 3 कहा, 3 कैसी होगा? जी 3 वाले लोग डिसऑन कर दिया आपने 3 को, भाई कोई तो रीजन होगा ना 3 कहने का। अच्छा कासिम, अगर आप यहां पर एक टॉर्च लेके खड़े, ये तो टॉर्च में से लाइट निकली
बंदे की आईज में जाएगी, कैसे जाएगी? यहां से नहीं जाएगी? नो सर। हाँ, किधर जाएगी? पहले सामने शीशे, पहले सामने शीशे तक कितनी दूर जाएगी? 7 मीटर। 7 मीटर पक्का याद रखना है आप इसको, कितनी दूर जाएगी? 7 मीटर। लेडीज 7 मीटर चलेगी, 7 मीटर। अब यहां से उसकी आईज में जाना है उसने, 4 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया लाइट ने? थैंक यू वेरी मच। ठीक हो गया? वैसे अपने समझाने के लिए आपको कह रहा हूं, मैं खुद कैसे समझता हूं कि हम आंखों से अगर सीधा रे वहां से लेके वहां तक ले जाएं, हमारा काम आसान हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस पता लग जाए। ऑलराइट? और अगर हम इसको कॉम्प्लिकेटेड करना चाहें तो हम इसकी पहले इमेज बना लें यहां पे, और आई से डिस्टेंस देख लें यहां तक कितना है, टोटल डिस्टेंस वहां तक इमेज पर। ठीक है बेटा? Yes, कोई सवाल? No, sir. तो ये जो कल दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना कि सेम साइज के बाद दूसरी थी सेम डिस्टेंस, ये सेम डिस्टेंस की एप्लीकेशन। ठीक हो गया? इस पे आता है कभी कभी एमसीक्यू आ जाता। ऑलराइट, अब थोड़ा सा और मुश्किल काम, रिफ्लेक्शन को, और बस इससे आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, लेट सपोज यू आर जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, पूरा आप जा रहे हैं शादी वादी में किसी पार्टी का, तैयार हो कैसे, राइट? ये लीजिए, ये मिरर है, ओके। अब आपने यहां से पांव देखने आते, राइट? किस पॉइंट पे नजर जाएगी आप? ए बी सी डी, किस पॉइंट पे आपको अपने पैर नजर आ रहे होंगे? बी ए पे। ऑल राइट, बना दे तुम। यहां से आपने ए पे देखा, अगर मैं यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करूं? सर पांव के बिल्कुल सेम लेवल पे ए है ना? ये मैं जनाब आपको ये कोई चीज नजर आ रही होगी, माजा पैर अंदर रह गए बेचारे के, तो किस जगह देखें कि हमें पांव नजर आए अपने? पक्का? यस सर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बीच में अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करके ये दोनों एंगल मेजर करें तो दे आर इक्वल। ठीक है ना? Yes. इसलिए हमें यहां से डबल एच मिल जाती है, यानी कि उतनी हाइट का मिरर नहीं चाहिए बल्कि हाफ से ही हमारा गुजारा हो जाता है। सर हमें कैसे पता है कि उन्होंने पूछा कि मिरर में आपको पैर कहाँ दिख रहे हैं या रिफ्लेक्ट करके आपको पैर कैसे दिखेंगे? तो बेटा कि मिरर में आप अपने आप को तैयार शहर होकर पार्टी में जा रहे हो तो देख रहे हो कि मेरे शूज कैसे लग रहे हैं, तो आप यूं तो नहीं देखते हो ना, आप मिरर में देखते हो ना, तो मिरर में किस जगह देखते हो? इधर या इधर, ए पे या सी पे? ठीक हो गया क्वेश्चन? क्लियर है सारा? यस सर। यस सर। इसका मतलब है सी से नीचे देखेंगे तो हमें पांव के करीब की जगह नजर आएगी, तो मैं ये मिरर यहां से वाइप कर दूं। yes. सी तक मिरर काफी है पांव तक देखने के लिए, ठीक है ना? अब आपकी आंखें यहां पर है और आपने जो सर पे ये हैट पहना हुआ है ना, ये देखना है आपने। लेट सपोज इसके ऊपर कोई चीज भी लगी हुई, ये आप देखना चाह। अब एक्स वाई जी किस जगह देखें कि आपको खुंदना से नजर आ जाए? हालांकि ये जो है ना इसकी हाइट तकरीबन इसके लेवल पे आ रही है। अब हम किस जगह पे देखने हैं आंखों से? आईज है हमारी ऑलमोस्ट इस लेवल, कहां देखें? अगर मैं एक्स पे ही देखूं तो मुझे क्या नजर आएगा? अगर मैं आई से यहां बॉडी एक्स पे ही देखूं तो आई एम गोइंग टू सी माय हेड, नोज और आईज, फेस।
फेस और आईज और राइट स्टेट आईज, तो मुझे ये फुंदना देखने के लिए जेड पे देखना पड़ेगा के वाई पे वाई ऑल राइट लो जी ठीक हो गया। इसका मतलब है ये बाकी का मिरर जो है ये एक्स्ट्रा है हमारे लिए, और कितने से मिरर के अंदर मुझे अपना सारा अटायर नजर आ गया ये इतनी सी आइट्स दो देख दो वही बाकी का मिरर एक्स्ट्रा था ठीक है ओके हो गया समझ आ गया। जिसके आईज उसके हेड से 6 सेंटीमीटर नीचे है बल्कि बाल काट देते हैं इसके यार, तो ये 6 सेंटीमीटर आईज से इसका डिस्टेंस है और इसकी टोटल हाइट बंदे की सर के बालों से लेकर पांव तक यहां तक इट इज 50 सेंटीमीटर ठीक है 50 सेंटीमीटर का बोला सर ये अच्छा यार 150 कर दे। अब कितना लंबा मिरर चाहिए व्हाट इज द हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड बाय हिम टू सी हिज हेड टू टो सर से पांव तक सर इधर से लेके नीचे तक कितनी हाइट चाहिए किसकी मिरर जी आंसर आ गई थी बताइए प्लीज 77 बताते जो शाबाश। अच्छा आइस कितनी नीचे है 6 सेंटीमीटर ये यहां तक 6 सेंटीमीटर इसको हटा देते हैं अब 6 सेंटीमीटर से ऊपर कितना हाइट करते हैं हम इसको ये टोटल हाइट लेट सपोज हमने ले ली 150 सेंटीमीटर तो आइस को देखने के लिए हमें यानी टोटल हाइट का हाफ रिक्वायर्ड है कितना ऊपर से गायब हो जाएगा माइनस 3 सेंटीमीटर ऐसे ही है ना टोटल में से माइनस 3 दो आंखों की वजह से चले गए। अरिशा ठीक है आंखें कितनी नीचे है सर से तो कहां पर देखें कि उसको 6 सेंटीमीटर ऊपर तक नजर आ जाए मिडल में भाई ये उसकी आईज की हाइट है ये सर की हाइट है यानी ये कितना है 6 सेंटीमीटर तो इस पॉइंट पे देखेगा तो ये पॉइंट कितना आएगा 3 सेंटीमीटर तो इसका मतलब है ये एक्स्ट्रा 3 सेंटीमीटर ये माइनस कर दें ठीक हो गया। अब इसी तरह से आईज से नीचे की कितनी हाइट है उसकी 150 में से 6 माइनस करें 144 तो ये आईज से नीचे तक की 144 सेंटीमीटर तो इसके कहां पर देखना चाहिए हमें मिडल मिडल में यानी 72 पे एट 72 लो ये 72 पे टैन नजर आ रही है आइस से 72 नीचे और आइस से 3 सेंटीमीटर ऊपर 75 हेड देखना फिर तो यहां पे इधर देखेंगे तो हेड नजर आ जाएगा ना ये हेड नजर आ गया तो ऊपर वाला 3 माइनस कर दिया नीचे से 72 माइनस कर तो ये ऑल टुगेदर 72 प्लस 3 और ये टॉर्च इस तरह से इस टेबल पर रखी हुई है लेट सपोज और यहां से लाइट एक एंगल के साथ मिरर के ऊपर जा रही है मिरर जो है ये भी मिरर भी टेबल पर रखा हो अब टेबल से ऊपर 12 सेंटीमीटर ऊपर ये जा रही है इस पॉइंट पे 12 सेंटीमीटर के पॉइंट पे ये लाइट इंसिडेंट है
वहां से ये रिफ्लेक्ट होगी तो मुझे बताएं टॉर्च से यहां से कितने ऊपर तक पहुंचेगी, इस पॉइंट कितनी हाइट तक जाएगी? 24 सेंटीमीटर. अबान कहां तक जाएगी बेटा यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तो? सर 24. क्यों बेटा? सर वो सेम होते हैं और दोनों को प्लस कर क्या करते हैं दोनों को प्लस, उतने ही वो ऐड हो जाएगा, प्लस करते हैं. तो बेटा जब आपकी आईज आपके हेड से 6 सेंटीमीटर नीचे हैं तो किस कितने हम उस पे देखेंगे कि हमें 6 नजर आ जाए? 3 पे देखेंगे ना, आंखों से 3 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है ना? तो फिर हमें 6 पे नजर आ जाएगा. इसी तरह से अगर हम आईज के लेवल पे रखें और पांव देखना चाहें विच आर 72 सेंटीमीटर डाउन, 74 और सॉरी कितना था 144, जो 144 है आंखों से नीचे तक, तो हम बीच में देखेंगे तो 72 प्लस 72 डबल एंगल की वजह से, डबल डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा 144. तो हमें एक साइड का मिरर चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए. तो वो 72 का पीस और आंखों वाला 3 सेंटीमीटर का पीस मिला के 75 सेंटीमीटर की पूरी हाइट चाहिए. तो आप भी देखिए जरा घर में आपके मिरर पूरा फुल लेंथ का अगर लगाओ ड्रेसिंग वगैरह देखने के लिए तो उसमें आपको नीचे कारपेट भी नजर आ रहा होता है. तो अगर वो हाफ लगाओ तो आपको अपने पांव या टांगे नीचे तक नजर आ रहे होते, यानी कि पूरा जितनी आपकी हाइट है उतनी हाइट का मिरर रिक्वायर्ड नहीं, ठीक है? बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दो बोथ आर सेम, जितनी हाइट ये जाते हुए कवर कर रहे हो उतनी ही और कवर करेगा आपसे, इसलिए डबल हाइट हो जाए, ट्वाइस हो जाए, ठीक है बेटा? एक वो डिस्टेंस वाला, एक ये वाला. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. कल हमने देखा था रे डायग्राम का, मैं जल्दी से आप लोगों से पूछ लू कि लेट सपोज ये एक दरख्त है और ये मिरर, ये आप है, ये कहां पर नजर आएगी इसकी इमेज? इधर इधर मैं पॉइंट्स बना दू ए बी सी, आई को ए पे नजर आएगा, बी पे, सी पे या डी पे? ए बी सी और डी, किस पॉइंट पे ये नजर आएगा? आई ए. अच्छा लेट सपोज एक आई ए, एक ये एक्स और वाई, एक्स को किधर नजर आएगा और वाई को किधर नजर आएगा? सर एक्स को बी पे नजर आएगा. सुभान अल्लाह, मुझे बनाना पड़ गया आपके जवाब के बाद. अब मैं दरख्त की या कैडल बना रहा हूँ, सेम ही होगा. हाँ जी, एक आय मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और दूसरी आय मैं यहाँ पे बना दू, चलो और टेढ़ी मेढ़ी आय बना दू, दोनों को इमेज किस जगह नजर आएगा? एक ही पॉइंट पे या अलग अलग? देखो बेटा जब 50 आईज भी होंगी ना यहाँ पे, भूल जाना आपने आईज को. रे डायग्राम के लिए आपने इस ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट अवे उसके सामने इमेज बना दे, जितना उसका डिस्टेंस उतना ही उसका मिरर से भी दूर डिस्टेंस, जितनी हाइट इतनी हाइट, सब कुछ करके आपने बना देना. अब इस आई को भी यहां पर नजर आएगी, इसको भी यहां पर नजर आएगी, रिमेंबर, ठीक है? रे डायग्राम्स के लिए दो अलग अलग रे डायग्राम्स बनेंगे. वो कैसे? इसके लिए स्ट्रेट यहां से यू और इसके लिए यहां से, ओके, दिस इज वाई, दिस इज एक्स. इसकी ये और इसके लिए देख रहे हो एंगल सेम निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसी तरह से ये एंगल इस तरह से बना है, ओके. कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि आई कहां रखी हुई, यहां पे ये देखना ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ, उसकी
आई को देखते हुए आपने ऑब्जेक्ट की इमेज बना ली, उसके बाद आपने आई के साथ उसकी रेस को मिलाना, कोई मुश्किल है? पक्का प्रैक्टिस करनी है हमारी, यहाँ पर रिफ्लेक्शन कंक्लूड होगी, कंप्लीट होगी, कल हमने रिफ्लेक्शन करनी है।